हेलो, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज 2023-24 यानी फ्री रेन बियॉन्ड जर्नीस एंड की ऑब्वियसली, और साथ में हम बात करेंगे कब आ सकता है फ्री रेन बियॉन्ड जर्नीस का सीजन 2, जिसके लिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्री रेन बियॉन्ड जर्नीस एंड, इस एनिमे ने 2023 का सबसे ज्यादा फेमस डायलॉग दिया। ये मोमेंट भाई कमाल का था, मतलब लेजेंडरी। और यहाँ तक कि मैंने इस मोमेंट को भाई एडिट करके अपने चैनल में डाला भी है, जाके एक बार तुम अपने शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो, तुम्हें ऊपर मिल जाएगा, शायद से तुम्हें वो पसंद भी आ जाए। कैन योर सेल्फ, ये वाला डायलॉग भाई कमाल का था। पर 2023 का तुम्हें भी पता है सबसे ज्यादा फेमस डायलॉग भाई बिलियन सागर का वही है, आई हैव नो एनिमीज। उससे ज्यादा कमाल का कोई डायलॉग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इमोशन दे देता है भाई। हाँ, तो फ्री रेन, जिसके ऊपर मैंने भाई 4 या 5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में मैंने कहा था कि ये एनिमे कमाल का है, इसकी स्टोरी कमाल की, इसकी एनिमेशन कमाल के साथ में इसके ऊपर भाई मैड हाउस ने काम किया है। मैड हाउस मतलब सोने में सुहागा। अब तुम लोग खुद ही देख लो यार, 2-3 महीने से फ्री रेन एनिमे माल की लिस्ट, हाँ भाई MAL की एनिमे लिस्ट पे भाई टॉप नंबर पे, तो वहाँ से उतरने का नाम नहीं ले रहा है। अब तुम लोग बोलोगे भाई इसके लिए तो इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। अगर तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बता दूं भाई, माल पे चलती है मोनोपोली। और किसकी मोनोपोली चलती है मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ बोला ना वहाँ पर, अभी की अभी मेरी वीडियो डाउन हो जाएगी, ऐसी हालत है। और ये एनिमे टॉप पर क्यों ना हो, मतलब एनिमेशन कमाल की, डिटेल्स कमाल के। फ्री रेन भाई एक ऐसा एनिमे है जो कि फैन सर्विस भाई बन दिखा के नहीं, बल्कि कमाल के एनिमेशन दिखा के देता है। दूसरे एनिमे तुम्हें दिखाते होंगे बन उछलने वाले, मगर ये एनिमे इतना ज़्यादा डिटेल है, हर कैरेक्टर इतना ज़्यादा डिटेलिंग देता है कि भाई तुम्हें वो कैरेक्टर 3D में दिखने लगता है। सच बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर तुम इसके बैकग्राउंड में देखो, तुम्हें हर एक सेकंड कोई ना कोई एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। अगर दो कैरेक्टर मेन बातें करने तो बैकग्राउंड में दो जो कुछ कैरेक्टर होंगे वो कुछ अलग अलग ही हरकत करने लग जाएंगे। एक बात तो भाई, सबटाइटल पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आया सबटाइटल पढ़ूँ उन कैरेक्टर्स को देखूँ या वहाँ पर जो बैकग्राउंड में वो दूसरी कैरेक्टर हिल रही है उसको देखूँ, वहाँ पर वो हरकत क्या कर रही है। और हर एक सीन एकदम पेंटिंग, मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि पेंटिंग निकाला है किसी ने। आर्ट स्टाइल कमाल का, और राइटर की इमेजिनेशन वो तो भाई गोड लेवल की है। इस एनिमे के ऊपर बात हो रही है और इसकी स्टूडियो यानी और मैड हाउस के ऊपर बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये एनिमे इतना ज़्यादा भी अच्छा चला जाएगा। मतलब ठीक है, इमेजिनेशन में थी कि भाई 8 की रेटिंग लेकर जाएगा, और तब जब मैंने इसका पहला वीडियो बनाया था मैंने उसके 3 एपिसोड देखे थे, मतलब मैंने एक्शन सीन तो कुछ देखा ही नहीं था, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। और मैंने उसने भी जो काम किया है ना भाई, अब तो लगता है कि भाई इससे तो भाई 9 से ज़्यादा की रेटिंग होनी चाहिए। स्टार वर्सेस जो ड्रैगन था वो तो कमाल का था, पर सबसे ज़्यादा कमाल को मुझे लगता है भाई फ्री रेन वर्सेस फ्री रेन, वहाँ पर एनिमेटर्स भाई पागल हो गए थे। मैड हाउस स्टूडियोज को मैं भाई वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज कहूँगा। सॉरी मापा बालो, तुम अच्छे बनाते हो मानता हूँ मैं, पर मैड हाउस कुछ और ही है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो सुनो, रीज़न है, पहले तुम वो रीज़न को सुन दो फिर मुझे जूते मारना, इतनी जल्दी मेरे को जूते नहीं खाने। तुमने स्टूडियोज़ का नाम सुना हो या ना हो, पर हाँ इनके एनिमेस तुमने ज़रूर देखे, और इन्होंने भाई जितने भी एनिमेस बनाए हैं उनमें से एक ना एक तुम्हारा फेवरेट तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए इनके एनिमेस का नाम है जैसे वन पंच मैन सीजन 1, वो तो भाई ऐसा लगता है कि मांगा से ही निकाला है। हंटर एक्स हंटर भाई, ये एनिमे कमाल का था, इसका अगला सीजन कब आएगा पता नहीं, पर ये एनिमे कमाल का। ओवरलॉर्ड जितने भी सीजन है सारे के सारे, 1, 2, 3, 4 आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है भाई वो मैड हाउस ने ही बनाए हैं। एस ऑफ डायमंड MC के लिए आज भी बुरा लगता है। मॉन्स्टर तुम्हें पता ही है कौन सी सीरीज है, एकदम गॉड लेवल की सीरीज है ये भी। फिर नो गेम नो लाइफ, पता नहीं इसका अपडेट कब आएगा, पर अच्छा एनिमे था ये भी। हाई स्कूल ऑफ डेड एक और कमाल का एनिमे। पैरासाइट मैक्सिमम, ये तो तुम्हें पता ही कमाल का एक एनिमे था। सेनिन डेथ परेड सबका फेवरेट, इसकी ओपी भाई हर किसी को पसंद आती है। डेथ नोट भाई ये तो तुम्हें पता ही है भाई, डेथ नोट ही तुम्हारा पैन एनिमे होगा जो कि तुमने देखा था, और हाँ वो भी मैड हाउस नहीं बनाया। हेलसिंग तुम्हें तो पता ही कौन सा एनिमे, वैम्पायर कमाल का एनिमे, एक बार जाके देख लो तुम्हें मजा आ जाए। इतने इन लोगों ने ऐसे ऐसे एनिमेस बनाए भाई, वीडियो खत्म हो जाएगी पर इनके एनिमेस कभी खत्म नहीं होंगे। वापस है श्रीरन के ऊपर आते, क्योंकि उसके ऊपर एक वीडियो है और हाँ उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलो उसके भाई एक्शन सीन्स के ऊपर बात करते हैं। श्रीरन एक कामिंग होलसम एनिमे है जो कि तुम्हें पसंद आएगा, पर जब एक्शन की बात होती है ये एक्शन जॉनर के जितने भी एनिमेस हैं उनको भी शर्म में डाल देता है। वैसे ये मैड हाउस स्टूडियोज कमाल का तो है, पर हाँ इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम कोई और नहीं ऑब्वियसली भाई, ओवर हुआ जो कि अभी मापा के साथ हो रहा है, पहले इसके साथ ही हुआ। और तुम्हें तो पता है कि मैड हाउस से ही मापा बना है, और मुझे तुम्हें यह कहानी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता होगा। और हाँ, जिस चीज़ के लिए तुमने इस वीडियो को देखा उसके ऊपर बात करते हैं, मतलब सीजन 2 कब आ सकता है। अब देखो इस चीज़ के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, पर हाँ मुझे जितना पता है
जैसे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मुझे लगता है भाई 2 या 3 साल लगेंगे सीजन 2 आने में, और अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि ये बस 1 साल में ही आ जाए। पर देखो अभी 28 एपिसोड इन्होंने रिलीज किए, 28 एपिसोड मतलब 2 या 3 साल लगेंगे। यहाँ पर भी सोलो लेवलिंग को भाई 4 साल लग गए आने में। तुम लोग कोई बोलो, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई फ्री रन 1 साल में आ जाए, और रिसेंट मंथ में भी फ्री रन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि भाई मेरे यूट्यूब होम पेज में हर वीडियो बस फ्री रन के ऊपर, और यहाँ तक कि वो वाले साइड में भी फ्री रन के ऊपर बहुत कुछ बना रहे। सीरियसली कौन है आर्टिस्ट यार? और मुझे तुमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये वो वाले कौन है। तो यार आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो तुम्हें मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।